अस्सलामुअलैकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बड़े मज़े के रोल्स की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत मज़े की है। फ्रेंड्स, ये रमज़ान के लिए ज़रूर अपने बच्चों के लिए स्टोर करके रख लो। मैंने तो ये मेरे बच्चों के लिए ख़ास बनाया है क्योंकि ऐसे टाइम पे बच्चे वेजिटेबल से बहुत भागते हैं और सिर्फ नॉन वेज मेरे बच्चे पसंद करते हैं। तो ये मैंने अच्छा सा एक टिप यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास अभी चॉपर है तो मुझे बारीक चॉपिंग करने का टेंशन नहीं है। इसीलिए मैंने बहुत आराम से इसमें सारी सब्जियां जो भी मुझे रोल्स में डालने हैं ना, मैंने सारे इसमें चॉप कर लिया है। सब्जियों में मैंने 3 गाजरें ली है और 3 इसमें कैप्सिकम है, बेल पेपर्स, हाफ पत्ता गोभी लिया है मैंने जो कैबेज होता है, और इसमें 3 to 4 ग्रीन चिलीज है। एकदम फाइन चॉप किया है क्योंकि मुझे बच्चों के लिए स्पेशली बनाना है ये डिश, इसीलिए मैंने इसे चॉप किया है। आपको चाहिए तो आप जूलियन कट भी इसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत फाइनली मैंने चॉप कर लिया है। सारी वेजिटेबल्स चॉप करके रख ली हूँ, मैंने चिकन को भी श्रेड कर ली हूँ। अभी ये इंग्रेडिएंट्स है जो हमें इसकी बेस बनानी है। तो बैटर बनाने के लिए जो हमें चाहिए वो ये है इंग्रेडिएंट्स इसके: 3 एग्स, मिल्क, मैदा, सॉल्ट, बेकिंग पाउडर, कुकिंग ऑयल एंड ब्लैक पेपर पाउडर। अब फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने लिए है ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। ये मैदा मैंने लिया है यहाँ 4 कप्स, मेजरिंग कप से अगर आप लोगे तो आपकी भी बैटर एकदम परफेक्ट बनेगी। सारी आप एक साथ घर में बना सकते हो और बहुत आपके पैसे बचने वाले हैं इसमें। इतने एक्सपेंसिव हम लोग बाहर से रोल्स लेके आते हैं, चिकन भी अच्छे से कुछ भरा भी नहीं रहता उसमें और खाने का भी मज़ा नहीं आता। तो उससे बेटर है घर में ही, थोड़ी मेहनत होती है, बस उसे कर लो और आसानी से हम ये डिश घर में ही बना सकते हैं और इसे स्टोर भी कर सकते हैं ताकि पूरा महीना भर आपको फुर्सत रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 4 कप ले लिया है मैदा, 3 कप मैंने इसमें डाल दिया है मिल्क, दूध। नॉर्मल टेम्परेचर का सब कुछ होना चाहिए, ठंडा कुछ भी ना ले आप। एग्स भी बाहर रहना चाहिए आपके। ये बड़े साइज के एग्स है, मीडियम साइज के एग्स है तो आप 4 डाल दीजिए। और मैंने इसमें दूध डाल दिया है। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिकॉर्डर ऑफ हो गया था। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल डाला है 1/2 कप। अब ये है 4th कप मिल्क। तो 4th कप मिल्क मैं कैसे कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा डाल के मैं इसे देख सकते हो बीट कर रही हूँ। एक साथ मैंने पहले 3 कप डाल दिया है, फिर 4th कप मैंने ऑयल के बाद थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे मैंने एक बनाना शेक जैसा रहता है ना हमारा, कोई भी हम शेक बनाते हैं, स्ट्रॉबेरी शेक, बनाना शेक, उतनी थिक कंसिस्टेंसी का बस आपको रखना है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लिया है ब्लैक पेपर पाउडर, सेम 1 टेबलस्पून हमको लेना है सॉल्ट। फिर मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। बेकिंग सोडा आप मत यूज कीजिए, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना। और ये है 1 टीस्पून। आप अगर इस तरह से मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून से लोगे तो आपकी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आएगी और आपकी बहुत अच्छे से सारी बेस बन जाएगी जिसमें हमें रोल शीट्स जिसे कहते हैं ना, वो आराम से बन जाएगी बिना मेहनत के। ये है इसकी कंसिस्टेंसी। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कैसे किस तरह से शीट्स को बनाना है। आप गौर से देखना, बिल्कुल स्टिक नहीं होगी और बहुत अच्छे से बन जाएगी। मैंने नॉनस्टिक पैन रख दिया गरम करने। अब मैंने इसमें सिर्फ देख सकते हो 3 से 4 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल, और अब मैं इसे ब्रश की मदद से फैला दूंगी ताकि ये बिल्कुल भी स्टिक ना हो। अब मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा ऑयल को जब ब्रश ग्रीस कर दिया था तो मैंने इसमें 2 लैडल फुल ऑफ मैंने डाल दिया है इसमें ये बैटर जो हमने बनाया है। फिर हमें इसे इस तरह से देख सकते हो आप फैला लेना है हर तरफ से। मेरा फ्राइंग पैन बड़ा है, अगर आपका छोटा है तो आपकी छोटी शीट्स बनेगी जो आपकी रोल शीट्स है। मेरी काफ़ी बड़ी साइज़ की बनी थी क्योंकि मेरा फ्राइंग पैन काफ़ी बड़ा साइज़ का है। बस जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्रीमिश कलर पे आपको दिखेगा, तो आपको इसे फ्लिप करना है। देखिए कितनी आसानी से ये निकल जाएगा। इस तरह से नॉनस्टिक का ही आप यूज़ करना अगर आपको ये शीट्स बनाना है तो। नॉर्मल से तवे पे ये पूरा चिपक जाएगा अगर आपका आयरन का है तो इसे कोशिश कीजिए कि आप नॉनस्टिक पे ही तैयार कर लेना। जितनी भी शीट्स चाहिए आप उस हिसाब से बना सकते हो। मैंने थोड़ा बल्क में बना लिया है 10 से 12 पीसेस रोल्स, ये काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। तो अगर आपको थोड़ा क्वांटिटी कम बनाना है, कम फैमिली मेम्बर्स है, तो आप सीधा 2 कप कर देना मैदा और सारे इंग्रेडिएंट्स हाफ कर देना, तो आपके रोल शीट्स कम बनेंगे। बस इस तरह से आपको 2 लैडल भर के डालना है और इसे जितनी भी मतलब बैटर है पूरा इस तरह से देख सकते हैं फैला देना है। तो उस हिसाब से आपकी थिकनेस आएगी, पतली पतली शीट्स आएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स ये बहुत हैवी भी होता है रमज़ान में, मतलब एक ही बना दो ना तो सब लोग एक एक पीस ही खा लेंगे तो हैवी हो जाएगा। बिकॉज इसमें देख सकते हो आप मिल्क है, बच्चों के लिए तो ये बहुत बेस्ट है। इसमें मिल्क है, एग्स है, सारी चीज़ें जो बच्चों को फ़ायदा देने वाली है। इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स डाले हमने, इसमें चिकन है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर हम लोग खाली यही देख लेंगे कि मैदा है और कुकिंग ऑयल हाफ कप है, लेकिन हम देख रहे अगर हमने मैदा यूज़ किया तो वो हाफ कप जो कुकिंग ऑयल है उसमें हमने कितनी सारी शीट्स बना ली है और इसमें 10 से 12 आराम से बन गए थे। फ्रेंड्स वेजिटेबल्स देखिए इसमें कितने सारे इस्तेमाल हुए हैं, पूरे कैबेज है ये, और बिल्कुल भी खाने में पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने इसमें वेजिटेबल्स बनाया है डाला है कि नहीं। आप एंड तक व्लॉग में बने रहिए और बस आप इसका फाइनल लुक देखना, आपका भी दिल खुश हो जाएगा। मेरी माँ ने अगर सबको खिलाना है तो इस तरह से चॉप कर लो। अब हाथ से तो इतनी बारीक चॉपिंग नहीं होती, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बैटर हो गया जो मेरे पास चॉपर आ गया है और मैंने इसमें सारी सब्जियाँ चॉप कर ली ताकि मेरे तीनों बच्चे अब आराम से खा लें। चलिए बातें बहुत हो गई, अब मैं आपको फिलिंग बता देती हूँ। मैंने फिलिंग के लिए क्या किया है, मैंने इसमें डाला था पहले बटर, थोड़ा सा ऑयल, फिर मैंने प्याज को हाफ जो अनियन है उसे सौते किया है और मैंने वेजिटेबल्स डाला जैसे कि कैरेट और कैप्सिकम और पत्ता गोभी, ये मैंने सौते कर लिया उसे हाई हीट पे। फिर मैंने इसमें डाल दिया है सॉल्ट और मैंने चाट मसाला डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है फ्रेंड्स, और इसे अच्छी तरह से बस भून लिया है क्योंकि सारी चीज़ कुकड है। वेजिटेबल्स बस थोड़ा सा मैंने कुक कर लिया है। अब मैंने इसे बच्चों के लिए दो फ्लेवर में तैयार कर लिया है। हाफ में मैंने डाला है क्रीम चीज़, आपके पास कोई सी भी चीज़ है आप डाल सकते हो, और हाफ मैंने एज इट इज़ रख दी हूँ, नॉर्मल चिकन और वेजिटेबल वाला। इसमें मैंने कोरिएंडर लीव्स भी डाली थोड़ी सी खुशबू के लिए। अब इसे मैं सेपरेट कर देती हूँ और देखिए माशाल्लाह कितनी सारी मैंने ये रोल्स बना लिया है ना, इसकी सारी जो भी बेस है कितनी सारी बन गई। इसे मैंने ढक के रखा है ताकि ये ड्राई ना हो जाए। चलिए फ्रेंड्स इसकी फिलिंग कर लेते हैं और आप गौर से देखना ताकि आपके एक भी रोल्स खुले नहीं। ये जो बोल में है ये सेम जो बैटर है उसे बचा लिया था मैंने और मैंने यहाँ साइड में एक बोल में रख लिया था ताकि इसे स्टिक कर सके हम। पहले दोनों साइड से मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इस रोल को नीचे से मैंने ऊपर कर लिया है। अब इस पे जो बैटर बचा है उसे हमें स्टिक करना है ब्रश की मदद से और इसे अपने आप की तरफ घसीटते हुए थोड़ा सा टाइट इसे प्रेस करना है। थोड़ा थोड़ा टाइट बनाओगे ना आप तो ये जल्दी से स्टिक हो जाएगी और बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। इसे मैं बेकिंग पेपर पे रख रही हूँ फ्रेंड्स, पार्चमेंट पेपर है अगर आपके पास आप उस पर भी रख सकते हो क्योंकि हमें ये फ्रीज करना है। चलिए मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। पहले देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है 2 टेबल स्पून जितना स्टफिंग मेरी रेडी हो गई है, थोड़ी सी ठंडी भी हो गई है, देख सकते हो। खाली दोनों साइड्स मैंने फोल्ड किया है और नीचे से अब मैं रोल करते हुए बस ऊपर आ रही हूँ। ऊपर मैंने मैदे की स्लेरी लगा लिया है और इसे मैं स्टिक कर दूंगी। फटाफट से सारे रोल्स में इसी तरह से बस तैयार कर लूँगी। आप गौर से देख लीजिए किस तरह से मैंने फोल्डिंग किया है। बहुत ईजी स्टेप्स है फ्रेंड्स, इतनी जल्दी बन जाता है और फ्रीज़र में अगर आप रख दोगे ना आपको इतना सुकून हो जाएगा, मतलब कभी भी इफ्तार में आप निकाल सकते हो। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये बहुत बेस्ट है क्योंकि एकदम फिलिंग होता है इसमें ना, वेजिटेबल्स है, सारी प्रोटीन है, बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स। एग्स भी अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो भी आप ये आराम से उन्हें खिला सकते हो, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा अंदर आपने क्या क्या डाला है। ये जो रोल है थोड़ा सा फट गया था लेकिन देखिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बस वही मैं बता रही थी वीडियो में कि थोड़ा सा देखिए ये टेयर हो गया लेकिन कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब एक खास बात, एक खास इम्पोर्टेंट टिप ये देखते हुए आप ये बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपके बैटर आप डालते हो फ्राइंग पैन पे और वो इस तरह से स्मूथली अगर घूमता नहीं है यानी रोल नहीं बनता है तो आपको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हटा दीजिए और आपका जो बैटर है ना उसमें आप हाफ कप मिल्क डाल दीजिए वापस से और उसे अच्छी तरह से बीट कर लीजिए। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो नहीं सोचना आप ये रेसिपी नहीं बना सकते। लास्ट रमज़ान में मेरे पास ये नहीं था और मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह इसे स्टोर करके रख लेती हूँ। बच्चों के लिए मैं ये वाले रोल ज़रूर बनाती हूँ, बिल्कुल बेकरी स्टाइल होते। और मैंने इसे घर पे स्पैचुला से मिक्स किया था, बहुत आसानी से स्पून से मिक्स हो जाता है। देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, लग रहा है ना बिल्कुल बाजार का है। बस मैंने क्या किया फ्रेंड्स, नीचे बेकिंग पेपर रखा है, फिर मैंने 4 रोल्स रखे, फिर अनदर बेकिंग पेपर, फिर 4-5 रोल्स, फिर बेकिंग पेपर और ये 2 रोल। इसे मैंने ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दिया था ऊपर रेफ्रिजरेटर में। देखिए कितना हार्ड हो गया है, पूरा ये आइस बन गया अच्छे से, एकदम फ्रीज हो गया है। अब मैं इसे बेकिंग इसमें जिप लॉक में डाल के स्टोर कर लूँगी। जब चाहिए बस आपको निकालना है, बिल्कुल भी इसे डीफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती। हम लोग बाहर रख देते ना कि थ्रो करेंगे फिर उसके बाद हम फ्राई करेंगे, नहीं, इसे डायरेक्टली आपको बस फ्राइंग पैन पे रख लेना है। दूसरी प्लस पॉइंट, ये जो स्प्रिंग रोल्स है इसे बिल्कुल भी आपको डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इतना हेल्दी ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल में 4 से 5 आपके आराम से फ्राई हो जाएंगे। सिर्फ आपको बाहर से कुक कलर देना है। कुक तो ये ऑलरेडी सब कुछ है, इसमें जो अंडा है, दूध है, ये सब कुछ कुक हो गया है। वेजिटेबल्स हमने सौते कर ली है अच्छे से, चिकन हमारी बॉइल्ड है, तो आपको इतनी देर डीप फ्राई करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इतना सॉफ्ट बनता है ये, एकदम बेकरी स्टाइल लगता है, इतना मज़े का है, बच्चे तो इसके दीवाने हुए रहते। तो बस आराम से मैंने क्या किया है, सब कुछ इस तरह से एक को मैंने क्या किया, बेकिंग पेपर पे रोल करके बस इस तरह से ज्यादा डाल दिया है, और एक में मैंने 4 से 5 रखा है, ताकि मैं 1 से 2 दिन के बाद कभी मैंने कुछ कुकिंग नहीं की हूँ या फिर बच्चों को स्नैकिंग का मन है तो मैं उन्हें ये दे दूंगी तो वो फिल हो जाएंगे, क्योंकि रात में मगरिब के बाद खाना खा लेते ना बच्चे, तो ये एक एक भी खा लिया तो उन लोग एकदम फुल हो जाते। तो बस फ्रेंड्स देखिए माशाल्लाह से मेरा ये सब डन है, इतना मैंने बना लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान के लिए जब चाहिए ये मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं क्रिस्पी वाली भी स्प्रिंग रोल ज़रूर बनाऊँ। अगर मैं वो बनाऊँगी तो आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स। ये तो ख़ास करके मैंने बच्चों के लिए बनाया है ताकि उन्हें पता ही ना चले कि इसमें वेजिटेबल्स हैं, सारी चॉपिंग करके मैंने बनाया है। इसमें देख सकते हो आप, अभी मैंने इसे 2 दिन के बाद यूज़ किया है फ्रेंड्स। आफ्टर 2 डेज मैंने डायरेक्टली इसे फ्रीज़र से निकाला है। कितना हार्ड है, इसमें पूरी आइस है, और ये 2 टेबलस्पून ऑयल है। इसे मैंने धीमी आंच पे पहले गरम कर लिया है फ्राइंग पैन को। अब मैं इसमें सारे रोल्स मेरे डाल दूंगी, जितने आपको चाहिए। आप आराम से फ्राइंग पैन पे जितने भी आते आप एक साथ 4, 5, 6 जितनी आपकी जगह है फ्राइंग पैन पे आप डाल सकते हो। बस इसमें आपको क्या करना है, बी केयरफुल कि आपको इसे एकदम धीमी आंच पे कुक करना है, वरना फौरन से कलर आ जाएगा और अंदर पूरी आइस ही जमा रह जाएगी, क्योंकि अंदर से पूरा ये सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अंदर तक इसकी आंच लगनी चाहिए फ्लेम, ताकि अंदर से चिकन और जो हमारा स्टफिंग है वो भी गर्म हो जाए। इतने मज़े के सॉफ्ट हो जाते फ्रेंड्स, इतने बाहर से अच्छे से एक कलर आ जाएगा, इतना अच्छा बाहर से क्रिस्पीनेस भी आ जाएगा, लेकिन उतनी ही सॉफ्ट ये रोटी रहती है। इसे आप रोटी बोल ले, बेस बोल ले, जो भी बोल ले, बहुत मज़े की लगती है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल लगती है। ऐसा लगता है बस अभी बेकरी से है ना एक खुशबू आ रही है, किचन में इतनी अच्छी खुशबू फैल गई थी माशाल्लाह। क्योंकि बच्चों को तो कुछ भी ऐसा पता नहीं है ना, मैं रमज़ान के लिए ये बना रही थी तो मैंने उन्हें बोली कि चलो मैं बच्चे लोग को भी एक एक दे दूँ, हम सब लोग एक एक ट्राई करते कि कैसा है। और 2 दिन के बाद मैंने, क्योंकि खाना का नहीं है सच कुछ भी किया था, तो हमने डिनर में बस ये एक एक खाया और हम लोग फुल हो गए। इसीलिए रमज़ान में बस ये आप 1 से 2 पीस भी करोगे ना, आप लोग 4 की फैमिली है तो आप लोग हाफ भी खा लोगे ना, 2 या 3 पीस में से, तो भी आप इतने फुल हो जाएंगे। फुल होने का मकसद ये होता है ना, क्योंकि हम रमज़ान में इफ्तार में शरबत, जूस, नींबू पानी, ये सब चीज़ लिक्विड्स इतने लेते हैं कि हम फुल हो जाते। तो ये एक एकदम फिलिंग है, आप 1 से 2 खा लेंगे ना आपके बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। इसीलिए ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं, अगर ये आप रोल्स बना रहे हो तो। एनीवेज इसके साथ मैं ये ग्रीन चटनी बना रही हूँ, थोड़ी सी ग्रीन चटनी हम ये रोल्स के साथ सर्व कर लेंगे। और बाकी की ग्रीन चटनी, क्योंकि मुझे वैसे ही स्टोर करना था, इमली की गुड़ की चटनी बना ली थी मैंने, इमली और खजूर की सॉरी, तो मुझे ग्रीन चटनी भी सेव करना था बना के, तो मैंने आइस क्यूब्स में इस चटनी को भी बना के डाल दिया है। तो इसमें मैंने क्या लिया है, कोरिएंडर लीव्स लिया है, कोथमीर 2 बंच लिया है, इसमें मैंने जीरा डाला है, ग्रीन चिली और 1 टमाटर डाला है, और इसमें मैंने डाला है सॉल्ट। बस ये डाल के फ्रेंड्स मैं इसे, जितनी भी मेरे पास एक्स्ट्रा बची है, इसमें मैं आइस क्यूब में डाल के इसे स्टोर कर लूँगी और आइस बना लूँगी। जब रमज़ान में चाहिए तो रोज़े इफ्तार में, तो बस इसे 1 क्यूब निकालना है, 20 सेकेंड माइक्रो करना, और ये चटनी हमारे पास एकदम रेडी मिल जाती है। तो बस थोड़े दिन का इंतज़ाम हो गया, समझो 5-6 दिन के लिए, बाद में फिर इंशाल्लाह बाद में बना दूंगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, बड़े मज़े की बनती है। अगर रमज़ान के लिए आपको स्टोर नहीं करना है तो इस तरह से आप फ्रेश भी बना के खा सकते हो, आपके गेस्ट के लिए भी बना सकते हो। आपके किचन में इतनी खुशबू फैल जाएगी ना माशाल्लाह से, ये बेस भी बहुत मज़े का रहता है, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी। ज़रूर इसे इस रोल्स को ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना। मैं आपको कट करके भी बता देती हूँ कितनी सॉफ्ट है, देखिए इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितने मज़े की बनी है। धुआं देख सकते हो आप, आपको जो मर्जी आप अंदर स्टफिंग कर सकते हो। आप इसमें कॉर्न्स डाल सकते हो, स्वीट कॉर्न्स, कलरफुल बेल पेपर्स डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद है आप डालिए, बनाइए और मज़े कीजिए। रेसिपी को अपने पास संभाल के रखिए फ्रेंड्स और इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।